हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कर्म दृष्टि। मकर राशि के लिए, कैप्रिकॉर्न्स के लिए मैं ये रीडिंग लाई हूँ। दोस्तों, आपका नाम से कैप्रिकॉर्न है या जन्म कुंडली से आप मकर राशि के हैं, आप इस रीडिंग को मिस मत कीजिएगा। आपके पार्टनर के साथ कौन सी आपको सावधानियाँ रखनी है जिससे कि आप कि लव लाइफ बढ़िया से चलती रहे, यही मैं टैरट कार्ड्स में आपके लिए लेके आई हूँ। मूविंग ऑन, आपका फर्स्ट कार्ड ही बहुत बढ़िया कार्ड निकला है। बैलेंस, मकर राशि, आपके कार्ड्स बहुत अच्छे निकल रहे हैं, बहुत ही आप एंथुजियास्टिक कार्ड्स निकल रहे हैं। आपको बहुत अच्छी सलाह दे रहे हैं। फाउंडेशन एंड अचीवमेंट, इमोशनल लॉस एंड ट्रुथ। मकर राशि, देयर इज अ पॉसिबिलिटी, ऐसा हो सकता है आपकी लाइफ में कोई थर्ड पर्सन आ जाए और वो इमोशनली आपको इतना कंट्रोल में कर ले कि एक दूसरे के लिए आपके मन में जो भी प्रेम की भावना है, जो भी प्रेम की फीलिंग्स हैं, उसमें थोड़ा डावाडोल होना शुरू हो जाए आप लोग। हो सकता है कोई थर्ड पर्सन जो आपके पार्टनर को लाइक करता है, वो आपके और उनके बीच में फूट डालने की कोशिश कर सकता है। इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि जो भी, एक तो आपको अपना बैलेंस बना कर रखना पड़ेगा। जो जिस किसी ने कुछ भी कहा तो अचानक से गुस्सा मत होना अपने पार्टनर पर, और आपके जो प्रेम संबंध है उसको ब्रेक मत होने दीजिएगा। किसी ने कहा और मान के बैठ गए, ऐसा बिल्कुल ठीक नहीं है। उनकी उन बातों को, उन यादों को याद कीजिएगा जो उन्होंने आपके साथ बहुत अच्छे पल गुजारे हैं। कोशिश कीजिएगा फाइंड आउट द ट्रुथ, क्या सच्चाई है, द ट्रुथ, इसको खोजने की कोशिश कीजिएगा, ढूंढने की कोशिश कीजिएगा। और आप ट्रुथ को तभी ढूंढ पाएंगे जब आप अपना बैलेंस बना के रखेंगे, योर मेंटल बैलेंस, योर हार्ट बैलेंस। मुझे पता है कोई ऐसा कह देता है आकर तो दिल टूट जाता है, तो आपको अपने दिल को टूटने नहीं देना है। मूव ऑन, आगे बढ़िए, ट्रुथ का पता कीजिए, सच्चाई का पता कीजिए, खुद को अशांत मत होने दीजिए, इमोशनल बैलेंस बना के रखिए। आपको सच्चाई का जैसे ही पता लगेगा, आप सक्सेसफुल हो जाएंगे। आपको पता लग जाएगा कि थर्ड पार्टी आपको परेशान कर रही है, आप दोनों के ब्रेकअप का इंतज़ार कर रही है, तो अपनी लाइफ में ऐसा मत होने दीजिएगा। प्लीज़ टेक केयर, बाय।